दर्शन के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। राजपाट को छोड़कर सन्यासी जीवन व्यतीत किया इन्होंने, और सबसे अच्छी बात जो बुद्ध के चरित्र में लगी और उनकी शिक्षा में लगी वो ये है, उन्होंने चार मूल धर्म बताए, और वह मूल धर्म है कि अपनी अच्छाइयों को मत देखो, दूसरे की अच्छाइयों को देखो, अपनी बुराइयों को जरूर देखो, उससे कुछ सीखने का प्रयास करो, दूसरे की बुराइयों को मत देखो। इस प्रकार की उन्होंने बहुत सरल सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध, जिन्होंने संसार को अपने पांच मूलभूत सिद्धांतों से अवगत कराया, जो थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इनमें से यदि केवल हम एक सत्य को ही आधार बना लें तो शेष चारों हमारे पास स्वतः ही आ जाते हैं। यदि हम सत्य के मार्ग का चयन कर लेते हैं तो अहिंसा अपने आप आ जाती है, क्योंकि जहाँ अहिंसा है वहीं सत्य है। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संचय ना करना। अगर हम सत्य मार्ग पर हैं, सत्य आचरण का अनुपालन कर रहे हैं, तो हमें इस बात का हमेशा आभास रहेगा कि हम अपने के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें, और तब हम कभी भी अनावश्यक संग्रह की स्थिति से नहीं सरोकार करेंगे। इसी तरह से ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ कुछ और है, और गौतम बुद्ध के अनुसार जो ब्रह्मचर्य है वो है हमारे सात्विक विचार, हमारा सात्विक चिंतन, हमारा सात्विक जीवन, और साथ ही साथ सात्विकता का संदेश। हम मन से, वचन से, कर्म से, धर्म से, सभी से सात्विक हों, यही है वास्तव में हमारा ब्रह्मचर्य। अस्ते, किसी की वस्तु का बिना पूछे हुए प्रयोग ना करना। सीधी सादी भाषा में हम उसको चोरी का नाम दे देते हैं, लेकिन सत्य मानिए तो यदि आप किसी के विचारों का भी हनन कर रहे हैं वो भी अस्तेय है। आपके किसी भी कार्य के माध्यम से यदि किसी को आघात हो रहा है वो अहिंसा है। तो किसी भी प्रकार की अहिंसा, किसी भी प्रकार का अस्तेय, किसी भी प्रकार का असत्य हमारे जीवन के लिए बाधक हो सकता है। तो आइए संकल्प करें कि हम सत्य के मार्ग का अनुसरण करेंगे और यथासंभव अपने जीवन में सात्विकता का समावेश करें। यही हमारे लिए आज के लिए बुद्ध के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है और उनका शुभ स्मरण। धन्यवाद। पाप कर्म स्वच्छ दूध के समान तत्काल ही विकार नहीं लाता, वह तो राख से ढकी अग्नि के समान शने शने जलते हुए आपको जो भी मिला है उसका अधिक मूल्यांकन न करें और न ही दूसरों से ईर्ष्या करें। वे लोग जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उन्हें मन की शांति प्राप्त नहीं होती। एक सुराही बूंद बूंद से भरता है। सभी गलत कार्य मन से ही उपजते हैं। यदि शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपने दिमाग मजबूत एवं स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। कोई दो ही गलतियां कर सकता है, या तो वह पूरा सफर तय नहीं करता या सफर की शुरुआत ही नहीं करता। चुप रहे। जितनी भलाई माता पिता अथवा भाई बंधु कर सकते हैं उससे अधिक भलाई ठीक मार्ग पर लगा हुआ चित्त कर सकता है। सामने देखिए बोलते अतीत पर ध्यान केंद्रित मत करो, भविष्य का सपना भी मत देखो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। दोबारा। अतीत पर ध्यान केंद्रित मत करो, भविष्य का सपना भी मत देखो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। सामने देखो, चेहरा नहीं दिख रहा। दिमाग ही सब कुछ है, जो वह सोचता है वही बन जाता है। 1000 खोखले शब्दों में यह बेहतर होगा कि एक शब्द वह बोला जाए जो शांति लाए। और कुछ
अपने उद्धार के लिए स्वयं कार्य करें, दूसरों पर निर्भर न रहें। महात्मा बुद्ध के जीवन दर्शन की यदि हम बात करें तो शायद आप लोगों को पता होगा कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि हमें अपने मार्ग का दीपक स्वयं बनना है। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि बहुत काम शेष पड़ा है मित्र, वातायन की झिलमिलियाँ उठा दो, रोशनी की किरण अंदर आने दो, हृदय के पट खोलो और सुंदर रश्मियों का अंदर प्रवेश करने दो, अर्थात रश्मियों और दीपक की लौ से अपने जीवन को प्रज्वलित करो। फिर मैं कहूँगी कि महात्मा बुद्ध का एक जीवन दर्शन था।